Hi everyone, myself Kavita and you are watching my YouTube channel Kavita is here. No betrayal, no mislead, only educational read. जैसा कि आपको जानकारी हो चुकी होगी कि मेरा इस वीडियो का रिसेंट टॉपिक क्या है, तो ज़्यादा बात न करते हुए चलिए कंटेंट को क्लिक करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, देश भर के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में फाइनल ईयर एग्जाम रद्द होंगे। जानिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी ऐलान कर चुके हैं कि राज्य भर के सभी विश्वविद्यालयों में छात्रों के लिए कोई परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। यूजीसी ने हाल ही में देश भर के सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को अपने अंतिम वर्ष की परीक्षा 30 सितंबर 2020 तक आयोजित करने को कहा था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में देश भर के कॉलेज और यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर एग्जाम रद्द करने की याचिका दायर की गई। जानिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। देश भर के कॉलेज और यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर एग्जाम रद्द करने की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। दो दिन में इस याचिका पर सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस एल नागेश्वर राव की कोर्ट को बताया कि इससे जुड़े एक मामले पर इससे पहले जस्टिस अशोक भूषण सुनवाई कर चुके हैं, इसलिए मामला उनके कोर्ट में जाना चाहिए। जस्टिस राव ने सहमति जताते हुए सुनवाई को टाल दी। अब जस्टिस अशोक भूषण के कोर्ट में हो सकती है सुनवाई। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ गृह मंत्रालय को MHRD द्वारा परीक्षा संचालन के लिए SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स दैट्स मीन SOP के साथ आने के लिए कहा गया है। मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने नई UGC गाइडलाइंस के आधार पर फाइनल ईयर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के नए डेवलपमेंट पर ट्विटर के जरिए जानकारी दी थी। दिल्ली का हाल बता दें कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ऐलान कर चुके हैं कि राज्य भर के सभी विश्वविद्यालयों में छात्रों के लिए कोई परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। छात्रों का मूल्यांकन पिछली परीक्षाओं के आधार पर किया जाएगा। ये निर्णय तीसरे वर्ष के छात्रों पर भी लागू होता है। इन लास्ट दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर के पेपर ऑनलाइन ओपन बुक एग्जाम के तौर पर होने तय किए गए हैं, जिसे रद्द करने के लिए छात्र मांग कर रहे हैं। देश भर से 13 छात्र संगठन ने याचिका दाखिल कर कोरोना की वजह से फाइनल ईयर एग्जाम रद्द करने की मांग की है। इस याचिका पर 23 जुलाई को सुनवाई होनी थी। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस वीडियो के प्रति, इस कंटेंट के प्रति आपके क्या विचार बनते हैं, आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और मैं ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहती हूँ, आपको अभी तक कन्फर्म हो गया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर ऑन करें। तो मिलते हैं फिर एक न्यू एंड इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। टिल देन ओके बाय।